फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं चंदा दुरेजा और आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा एक नया टॉपिक, दैट इज इस्लामिक फाइनेंस। राइट, वी ऑल नोज दैट इन होल द वर्ल्ड 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। राइट, और मुस्लिम लॉ और यू कैन से इस्लामिक फाइनेंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कुरान, होली कुरान एंड शरिया लॉ। ऑन दिस बेसिस कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, दैट इज इस्लामिक फाइनेंस। हम लोग इस वीडियो में, इस टॉपिक में इस्लामिक फाइनेंस के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमारा ये इस्लामिक फाइनेंस जो है हमारे नॉर्मल फाइनेंस, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द फाइनेंस से डिफरेंट है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस्लामिक फाइनेंस का, लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक इस्लामिक फाइनेंस। राइट, सबसे पहले हमारे इस्लामिक फाइनेंस के अंदर अपने रूल्स हैं, दे हैव ओन रूल्स ऑफ द डीलिंग विद द फाइनेंस। राइट, दे आर कमिंग फ्रॉम द, नो डाउट मैंने आपको बता दिया, होली कुरान। राइट, सो ऑन दिस प्रिंसिपल सम फाइनेंस टेक्निक्स, फाइनेंस प्रिंसिपल, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर्म्ड, जो कि हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, सो कंप्लायंस विद द इस्लामिक लॉ एंड वन शरिया बोर्ड इज देयर जो कि इन सभी के सभी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती है, इन सभी सभी प्रोडक्ट्स को बार बार रिव्यू करके एनालाइज करती है कि वो मार्केट के अंदर कितने प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं। राइट, सो टाइम टू टाइम शरिया बोर्ड का काम है इन रूल्स रेगुलेशन को फॉर्म भी करना और मार्केट में रिव्यू करना। ठीक है, हाँ, टारगेट क्या है? टारगेट इज सेम, टारगेट इज टू गिव द मैक्सिमम बेनिफिट टू द सोसाइटी, टू गिव द मैक्सिमम बेनिफिट टू द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। राइट, दिस इज द मेनली थीम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। राइट, और गवर्न बाय, मैंने आपको बता दिया, शरिया बोर्ड। राइट, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता रहता है टाइम टू टाइम और देखता रहता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। राइट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट से पहले इस्लामिक फाइनेंस समझने से पहले हम लोग समझ जाते हैं, हम समझ लेते हैं कि जो इस्लामिक फाइनेंस है ये मनी को रिलेटेड क्या कहता है। ये कहता है कि मनी, अगर हम आपसे बात करते हैं तो मनी का मतलब होता है आर यूनिट ऑफ द ट्रांजेक्शन ओनली। राइट, मतलब क्या कि आप मनी से क्या करेंगे कि अगर मुझे सामान खरीदना है आपसे या आपको मुझसे खरीदना है तो मैं उसके बदले में आपको पैसा दे दूंगा या ले लूंगा। राइट, सो दिस मनी इज ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन पर्पस ओनली। राइट, इसके अलावा हाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखना है, लाइक मैंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचा के रख दिए तो वो मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द मनी। सो मनी इज फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड ऑल्सो फॉर द स्टोरेज ऑफ द वैल्यू। इसके अलावा मनी का कोई और यूज नहीं है एज पर दिस इस्लामिक कॉन्सेप्ट। हमने आपको कहा कि सर मनी इज मीन फॉर द कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन एंड द स्टोरिंग वैल्यू, नथिंग एल्स। राइट, सो अगर आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो ये हमारे डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट कैसे हुआ? तो इस पर्पज के लिए ये जो इस्लामिक फाइनेंस है ये इंटरेस्ट को लेके डिफरेंट बात करता है। कहता है कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसा उधार दिया है तो इसके बदले में वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द फाइनेंस में। अगर आपको याद होगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे बेसिक फंडा है जो हम लोग आपको सिखाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द फाइनेंस, चाहे आप इंटर में हो, फाइनल में हो, किसी भी लेवल पे हो, हम लोग बोलते हैं कि मनी मींस टाइम वैल्यू मनी ऑलवेज बी देयर। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास पैसा इन्वेस्ट करता है तो टाइम वैल्यू मनी इज ऑलवेज देयर। बट दिस लॉ सेज दैट इंटरेस्ट इज जीरो। आप ये मान के चलिए कि इंटरेस्ट को हम लोग हमेशा हमेशा जीरो लेके चलेंगे, मींस अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा उधार देता है तो इसके बदले में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। टाइम वैल्यू मनी, हमारा इस्लामिक फाइनेंस कहता है टाइम वैल्यू मनी इज ऑलवेज जीरो। और यू कैन से दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द मनी इन्वेस्टेड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इनफैक्ट बुक्स में वर्ड भी यूज किया हुआ है दैट इंटरेस्ट इज हराम।
मतलब बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है अगर आप किसी से इंटरेस्ट लेते हैं तो, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए आपने अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है या दे दिया है किसी को, तो इसके बदले में आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं ली। जिस पर्सन को आपने बेसिकली पैसा उधार दिया, उसने अगर आगे बिजनेस किया तो रिस्क उसका चला गया, और आपको तो अपने ब्याज से मतलब है, राइट? और आपको ब्याज के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ये एक कन्वेंशनल सिस्टम है। बट हमारा इस्लामिक फाइनेंस कहता है दैट इंटरेस्ट के लिए, मतलब इंटरेस्ट जो है हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, इंटरेस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा उधार देता है तो आप उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी रिस्क उसके बिजनेस में ले रहे हैं। तो अगर कोई लॉस हुआ तो उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपने पैसा उधार लिया है तो मुझे तो मेरा ब्याज मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट को ये इस्लामिक फाइनेंस करता है, इंटरेस्ट शुड नॉट बी कंसिडर, इंटरेस्ट इज जीरो, टाइम वैल्यू मनी इज जीरो, इंटरेस्ट इज अनफेयर फॉर द प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल। तो प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल कभी भी इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करेगा। नो डाउट हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को, ब्याज को एक दूसरा नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिबा। रिबा शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द इस्लामिक फाइनेंस। और यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, हमने आपको बताया दैट द इंटरेस्ट इज हराम। सो इंटरेस्ट को बहुत बुरी चीज मानी गई है, राइट? अब देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो बिलीव मी कि हमारा पूरा का पूरा FM जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है हमें दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज हर जगह, चाहे आप डेरिवेटिव करो, फॉरेक्स करो, चाहे आप पोर्टफोलियो करो, चाहे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल करो, कैपिटल बजटिंग करो, आपको टाइम वैल्यू मनी से ही शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर टाइम वैल्यू मनी को जीरो बना दिया गया, सो मीन्स पूरा का पूरा FM चेंज, राइट? मतलब अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जब कोई इन्वेस्टर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो इंटरेस्ट तो वो मांगेगा नहीं, राइट? इंटरेस्ट इज टाइम वैल्यू मनी इज जीरो, तो उसको चाहिए, मतलब उसको कुछ तो मिलना चाहिए। डेफिनेटली यस। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, इस्लामिक फाइनेंस कहता है कि इन्वेस्टर जो है क्या 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 रिसीव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टमेंट। इस्लामिक फाइनेंस सेज कि अगर एक पर्सन दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसके बदले में उस बिजनेस में वो रिस्क भी बियर करेगा, और उस रिस्क के बदले में उसको उसको रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। आई रिपीट अगेन, व्हेन अ पर्सन इन्वेस्टेड सम पोर्शन इन अदर बिजनेस, देन वो बिजनेस आगे ग्रो करेगा, आगे प्रॉफिट अर्न करेगा, वो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक शेयर यहां पर इन्वेस्टर को भी दे दिया जाएगा। मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए इस्लामिक फाइनेंस कहता है, बट इंटरेस्ट शेयरिंग करने के लिए मना करता है, राइट? सो व्हाट इज इट सेज, टेक रिस्क इन द बिजनेस एंड गेट द प्रॉफिट शेयर आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, राइट? मैं रिपीट कर दूं, मनी इज द ओनली मीन फॉर द कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन एंड स्टोरिंग वैल्यू ओनली। इंटरेस्ट और रिबा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अदर बिजनेस, देन ही और शी विल गेट ओनली एंड ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट, नथिंग एल्स, नो इंटरेस्ट पोर्शन, राइट? अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बैंक के पास गए, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक को पैसा डिपॉजिट किया तो वो हमें इंटरेस्ट तो दे नहीं रहा, बैंक आगे इन्वेस्ट कर रहा है और आगे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट शेयर ले रहा है और वो आपको भी कुछ ना कुछ देगा। तो आप और बैंक का रिलेशनशिप डिपॉजिटर और इन्वेस्टर का कहां हुआ? आई रिपीट, मैंने कहा आप बैंक के पास गए, बैंक में आपने पैसा 10,000 रुपए जमा किया, अभी तो 10,000 रुपए जमा करेंगे तो बैंक आपको ब्याज देता है, और बैंक आगे भी इन्वेस्ट करता है, बैंक जब आगे इन्वेस्ट करता है तो वहां से उसको भी ब्याज मिलता है, राइट? जिसमें कि उसका डिफरेंस जो है उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो यहां पर अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपने अगर बैंक को भी दिया पैसा तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? नो डाउट शेयर ऑफ द प्रॉफिट, बैंक आगे जब इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा और इसके बदले में आपको भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, राइट? तो यहां पर जो बैंक है वो एक किस्म से आपके बिहाफ पर आगे काम कर रहा है, बैंक आपके बिहाफ का काम कर रहा है। तो यहां पर आप और बैंक का जो रिलेशनशिप है दैट इज ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल एंड एजेंट।
आप दोनों के दोनों साथ साथ काम कर रहे हो, उसको हम लोग ज्वाइंट ओनर भी बोल सकते हैं, राइट right. इसको हम लोग इन्वेस्टर एंटरप्रेनर बोल सकते हैं, इसको हम लोग डिपॉजिटर एंड कस्टोडियन बोल सकते हैं. तो दे आर वेरियस नेम्स इफ यू इन्वेस्ट, इफ यू डिपॉजिट एनी अमाउंट इन द बैंक. तो यहां पर जो है रिलेशनशिप बदल गया. मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आज की जो इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा जो है बहुत बड़ा डूबा हुआ है, वापस नहीं मिल रहा है, ब्याज नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है. तो ये तो समस्या ही खत्म कर दी कि अगर बैंक ने पैसा उधार दिया है जिस भी कंपनी में, तो वो तो ओनर बन गया. और अगर ओनर का लॉस हुआ है तो उसको रिकवरी की टेंशन ही नहीं है. टेंशन मतलब अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो लॉस तो बिजनेस को यानी कि बैंक को तो बियर करना पड़ेगा. आज जो है बहुत बड़ी इंडिया की समस्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जो पैसा दिया हुआ है, लाइक किंगफिशर, लाइक और भी बहुत सारे नाम है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा. मतलब कहा गया स्टडी में कि 12 लाख करोड़ रुपए का जो उधार दिया गया है वो वापस रिकवर नहीं हो रहा, राइट. तो इतना बड़ा अमाउंट, अगर मैं कहता हूं कि उधार है ही नहीं, ये तो ओनरशिप का पैसा है, तो रिकवरी का मतलब ही नहीं होता. समस्या खत्म. बट आज की समस्या खत्म हो गई, आने वाले समय में और समस्या शुरू हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो व्हाट आई मीन टू से, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर एंड द बैंक आर एजेंट और प्रिंसिपल, डिपॉजिटर और कस्टडियन, इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, फेलो अप ज्वाइंट पार्टनर्स. ठीक है. अब सर ये जो सैरिया बोर्ड है, इस्लामिक फाइनेंस है, इसने बहुत सारे से डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं. यू कैन से प्रोडक्ट लॉन्च किए, मतलब दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द इस्लामिक फाइनेंस. ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हम लोग आपके साथ इससे नेक्स्ट वीडियो में उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. राइट, थैंक यू.